मैम की बात करना, बट मैम की बहुत मसरूफियत है, मैम को जल्दी निकलना पड़ रहा है। जो इश्यूज आपके पेंडिंग रह गए हैं, हम जो बैठे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब यहाँ पर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, मैं सबको एक बार आप सबको शाबाशी करेंगे, ताकि हम ये देखें कि किस पेज पे काम हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, और इस ब्लॉक दिवस का पर्पज ही यही है कि हम सारे आपस में मिल बैठकर एक दूसरे की राय सुन सके, या तो उन लोगों की या हम हमारे लोगों की, कि हम दौरा करने निकले हैं, कभी ब्लॉक दिवस अटेंड करने निकले हैं, जो जिनको एनएलपीसी या कॉर्पोरेशन जो है वो हैंडल कर रही है, मगर बड़ी तमाम सरपंच साहिबान, हमारे सिविल सोसाइटी मेंबर्स, आदाब, सदा श्रीनगर वहां पर क्या नहीं कर सकते। मेरी तो आपसे ये गुजारिश है, डीएम के वसीम साहब भी बैठे हुए हैं, ऐसे यहाँ के लोगों की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, काफी इश्यूज रिजॉल्व भी किए गए हैं, और काफी और भी इश्यूज हैं जिनको और रिजॉल्व किया जा सकता है, उनके बारे में डिस्कशन हुई, और ऑफिसर्स से भी ये डिस्कस हुआ कि कहाँ पर उनको बेटर परफॉर्मेंस करने का स्कोप है, और डायरेक्शंस भी पास की गई हैं एसडीएम को और यहाँ ऑफिसर्स को कि लोगों की जो दिक्कतें मुश्किल हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से यही कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ड्रग मेडिस की है, ड्रग एडिक्शन की है, छोटे बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सिविल सोसाइटी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों पे एक तरीके से निगाह बनाए रखें, उन्हें खुले ना छोड़ें, सोशल मीडिया के हवाले ना करें, और बच्चों से भी ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है, उसको आप यूज करें, अपनी कोई टैलेंट है उसको एग्जिबिट करने के लिए, उसको उसमें कंज्यूम ना हो जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ आए, स्पोर्ट्स के लिए हर पंचायत में हमने प्लेग्राउंड्स रखे हैं, स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स का हम काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, हमारी बच्चियां बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स लेके हमारा नाम रोशन कर रही हैं, तो आप सब बच्चे ये कर सकते हैं, यही मेरे इल्तिजा।